मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हलीम है और मैं एज़ ए सुपरवाइज़र इन टी पी डायरेक्ट्रेट में काम करता हूँ इबटाबाद में। ये स्टीविया जो है, ये एक इसको हम पुश्तों में खोगपाणा कहते हैं, मतलब मीठा पत्ता, और ये ज़्यादातर जो डायबिटिक लोग हैं ये इस्तेमाल करते हैं। तो शुगर का नेमुल बदल है, अगर मतलब कोई मीठी को खाना चाहे तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसके पानी में वो चाय बना सकते हैं, हलवा शलवा जो भी उसको मीठा जो भी पसंद है। तो चीनी का ही नेमुल बदल है, बाकी जो जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और आसानी से हो जाता है। अच्छा, इसकी कास्ट और जो शुगर केन की कास्ट है उसमें क्या फ़र्क है, और अगर जैसा कि हमारे मुल्क में अक्सर चीनी का बहरान रहता है, तो इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर इसकी प्रोडक्शन की जाए तो ये शुगर का मतबादल ये हो सकता है? बिल्कुल, ये शुगर का मतबादल है, और ये अगर ये कंपनियों में जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसको तैयार करती, तो लाजमी बात है कि इसकी कास्ट बढ़ेगी। अगर आप इसको काश करें अपने घर में तो इसकी कोई कास्ट नहीं है, और जब इसको काश करें तो इसको यूज़ करेंगे तो इसकी क्या कास्ट है? सही, 100 रुपये का गमला होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपने मिट्टी शिट्टी डालनी है, तो इसकी इतनी ये कास्टली तब नहीं है जब आप ख़ुद यूज़ करें। अच्छा, इसकी फार्मर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, इसकी अगर वो इसको ग्रो करना चाहते हैं इसके लिए क्या जो ज़मीन जो साइल तैयार करना और उसके साथ कैसी आबो हवा इसको चाहिए? ये तो गर्म इलाकों की है, ज़्यादातर जो हमारे गर्म इलाके हैं मर्दान, पेशावर, हरिपुर, इनमें ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आम ज़मीन इसकी हो है, और एक दफ़ा अगर काश करें तो आप इसको मतलब बार बार इसकी इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, और अगर नहीं भी तो फिर भी ये सीड भी देते हैं, आप सीड निकाल के उसको करते हैं, तो ये इंडस्ट्री के मानंद हैं। और ये है कि अभी तो इस पर की मार्केटिंग पे हमने नहीं काम नहीं किया है, लेकिन ये है कि ये जितनी भी स्वीटनर बनती है ये तो उसमें इस्तेमाल होती है, मार्केट तो इसका बहुत ज़्यादा हो गया, इंशाल्लाह खासली तब बनेगी जब फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई फार्मेसी वाले उसको करेंगे, तो जब वो चेंज लाएंगे तो लाजमी बात है उनकी बिल्डिंग की, उनकी स्टाफ की तनख्वाह सारा मिला के फिर वो कास्टली बनती है। अच्छा, ये किताबचों के वाले से बताइएगा, ये तो हमारे R&D डिपार्टमेंट के हैं, रिसर्च ये जितनी भी रिसर्च है इन लोगों की अपनी, ये प्लांट्स के बारे में बहुत पढ़े हैं, हाँ थोड़ी सी ये ब्रीफ करेंगे, ब्रीफ कर दें थोड़ा, ये प्लांट्स के बारे में मतलब आइडेंटिफिकेशन हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि इसमें प्लांट्स कहाँ कहाँ पे ग्रोइंग होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बताते हैं, सब कुछ डिटेल इसमें है, और ये टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे हमारी असेसमेंट हो चुकी है उसकी स्पेशलाइज्ड इनपुट्स हैं इसमें। सही। अच्छा, ये मशरूम है, क्या है ये मशरूम? ये आस्टर मशरूम है। ठीक है, ये जितनी भी हमारे मशरूम है उसमें ये मशरूम बहुत अच्छी तरीके से इसकी कल्टीवेशन हो जाती है, और कास्टली नहीं है, इस पर कास्ट बहुत कम आता है और इनकम इसका ज़्यादा है। ये आगे जो चीज़ें इनके ये इन पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें रेटा है, ये बनकोड़ है, इसमें कोट है, बाबूना है, ये मुख्तलिफ किस्म की सीड हमने रखी हुई है। ये संबल तो नहीं है? ये संबल है, ये संबल है, और संबल भी मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, खुसूसन शुगर और इन चीज़ों के लिए, दूसरी ये लोग ताकत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुख्तलिफ हमने लाई है इसलिए कि लोग ये जी जी। ये हमारी जो है ये ये शुगर के लिए तो नहीं, BP के लिए ना ना, ये मामेख है, ये दर्दों में इस्तेमाल होती है, मामेख जो है हमारे पहाड़ों में होती हैं, और ये खुदरो पौधा है, कल्टीवेट नहीं हुआ है, और अभी थोड़ी सी इंडियन से ये है हमारे पास गुची के मेमाइल, ये भी मशरूम की किस्म है, लेकिन ये बहुत कीमती है, लोग खाते नहीं हैं। अब ये नायाब क्यों हो चुकी है, इसकी क्या वजह? ये एक तो इसकी जो लोग कलेक्टर जो है इसको कलेक्ट करते हैं तो ये काटती नहीं है, इसी तरह कहते हैं इसकी वजह से इसकी दोबारा ग्रो नहीं करती, और दूसरी बात ये कि हमारी जो स्वाद साइड है उसमें साइल ओरिजिन की वजह से ये सारा उसमें बह के आया है, तो अब अगर मर्दान, चरसदा जहाँ भी दर स्वाद का पानी है, दिसंबर में आपको ये उधर भी मिलेंगी, तो 2-3 काज यही, और सबसे बड़ा जो काज इसका है वो यही है कि लोग इसको कलेक्ट ऐसी तरीके से करते हैं कि इसकी जो आइंदा ग्रोथ के लिए जो चाहिए वो भी निकाल के फेंक देते हैं, जिस तरह हमारे बाज़ार में ये चोंग मिलती है,
पवन के, ये अगर आप देखें तो बाजार में जड़ों समेत ही आपको मिलेंगी, कोई ऊपर से काटता नहीं है सही तरीके से। तो हमारे डायरेक्टरेट का जो मकसद है वो भी यही है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें, ट्रेनिंग दें कि आप चाय के हवाले से कोई यहाँ पे है कुछ चाय? चाय का ये लेमन ग्रास है, बाकी हमारी तो ये चाय का जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये एग्रीकल्चर साइड का हुआ है ना सर। ठीक है।